हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी आजकल ढूंढ रहे हैं एक स्केपिंग रोप या एक जंपिंग रोप परचेज करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में मैंने अमेजोन बेसिक्स की एक स्केपिंग रोप या जिसे हम जंपिंग रोप भी कहते हैं उसको मंगवाया था, तो अभी मेरे पास आ गई है। कुछ इस तरीके से देखने में ये लगती है। इसका एक छोटा सा रिव्यू मैं आपके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो देखने में मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। हालांकि जो प्रोडक्ट है वो मेड इन चाइना प्रोडक्ट ही है, बट क्वालिटी वाइज डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है। और आपने भी लोकल स्केपिंग रोप्स वगैरह भी देखी होंगी जहाँ पर उनका जो डिज़ाइन होता है वो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होता और उनकी बिल्ड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन इसके साथ ना तो आपको बिल्ड क्वालिटी का कोई इशू मिलेगा, ना आपको मिलेगा इसके अंदर इशू कोई किसी भी तरीके की इसकी लुक का। तो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। और जो ये बनी हुई है, ये जो है पीपी प्लास्टिक से इसकी जो ये कॉर्ड है वो बनी हुई है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत आपको ये कॉर्ड मिलेगी। आपको किसी भी तरीके से एक लोकल प्रोडक्ट फील नहीं होगा, एक प्रीमियम प्रोडक्ट ही फील होगा। साथ ही साथ अगर इसकी कुशनिंग की बात करो, तो जब हम इसको यहाँ से होल्ड करते हैं तो ये कुशनिंग भी जो है ये आपकी NRR फॉर्म कुशनिंग है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कुशन आपको देती है। बहुत ही अच्छी ग्रिप आपको मिलती है जब भी आप इसको यूज करते हैं। स्किपिंग जो है एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, एक कार्डियो एक्सरसाइज है। और जब भी हम स्किपिंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न होती हैं और हार्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है स्किपिंग करते हुए। तो एक बहुत ही कंप्लीट एक एक्सरसाइज है और देखने में मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी स्किपिंग रोप। और अगर इसके प्राइस की मैं बात करूँ तो 469 रुपीज़ इसका प्राइस है अमेजोन। एक बारी इसको ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी लंबी ये स्किपिंग रोप होती है और किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस तरफ से आपको मैं यहाँ पे भी दिखाऊं तो इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं इसकी लेंथ को। अगर बात करूँ कि इसकी लेंथ को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी लेंथ को एडजस्ट करना भी बहुत ईजी है। इसको आपको जो ये वाला पोर्शन है इसको ओपन करना है। अंदर से आपको ये कुछ इस तरीके की स्प्रिंग भी दिखेगी जब आप इसको ओपन करेंगे। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से आपको जो है आप इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे आप लेंथ जो है वो यहाँ पे इतनी छुटी हुई है। अगर मुझे इसको एडजस्ट करना होगा तो सिंपली मुझे इसको ओपन करना है यहाँ से। उसके बाद मुझे सपोज कीजिए कि इतनी लेंथ रखनी है, यहाँ तक की लेंथ रखनी है, तो मैं यहाँ पे आके इसको रोक दूंगा और उसके बाद दोबारा से इसको मोड़। तो कुछ इस तरीके से इसकी लेंथ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर मेरे को इसके अंदर लगा स्किपिंग रोप के अंदर, जिसमें कि आप लेंथ वगैरह को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद सिंपली कुछ इस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी लेंथ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और एक बारी में इसकी टोटल जो कॉर्ड लेंथ है वो भी आपको इसको यहां से ओपन करके दिखा देता हूं कि कितनी लंबी इसकी कॉर्ड लेंथ आपको मिल जाती है। अगर इसकी ओवरऑल कॉर्ड लेंथ की मैं बात करूं तो आपको 108 इंच की ये कॉर्ड लेंथ मिल जाती है। और अगर इसकी मोटाई की बात करूं तो करीबन 2 इंच जो है इसकी मोटाई है कॉर्ड लेंथ की। अगर बात करें प्रोडक्ट के साथ कोई वारंटी भी हमको मिलती है तो इसके साथ आपको 1 ईयर की लिमिटेड वारंटी भी मिल जाती है। तो ओवरऑल आप पूरी तरीके से कवर रहते हैं इस प्रोडक्ट के साथ। तो अगर अभी मैं आपको इसकी लेंथ दिखाऊं तो इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, मेरी जो हाइट है वो करीबन 5 फीट 9 इंच है। और इसकी लेंथ आप देखिए नीचे तक, अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर मैं यहाँ से भी इसको पकड़ता हूँ जहाँ से कि हम नॉर्मली स्किपिंग के टाइम पे पकड़ते हैं, तो पूरी प्रॉपर आपको एक लेंथ मिलती है। तो एक बार ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे जो है स्पेस अभी इतना नहीं है जितनी मैं आपको पूरी की पूरी स्किपिंग करके दिखा दूं, लेकिन इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी हाइट कितनी है और इसकी कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली जो कोड है उसकी लेंथ कितनी है। दोस्तों, अगर आपके मन में इस प्रोडक्ट को लेके अगर अभी भी कोई सवाल है आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों।